स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन जो हमें हमारे कॉलेज के कैंटीन की याद दिला दे, आज वो मैं आपको रेसिपी स्टेप बाय स्टेप सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ सिखाने वाली हूँ। तो चलिए टेस्टी यम्मी स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। वेज चाउमीन बनाने के लिए मैंने ये चिंग्स का जो चाउमीन का पैकेट आता है वो लिया है। अगर आपके पास ये पैकेट अवेलेबल नहीं है तो बाज़ार में और भी सारे कई तरीके के पैकेट्स मिलते हैं, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दो पैकेट से चाउमीन तैयार करने वाली हूँ। ये पैकेट के अंदर ऑलरेडी इस प्रकार से रेडी प्रीमिक्स मिलता है, हम इसका भी उपयोग करेंगे और साथ में मैं आपको और सॉसेस के साथ भी ये रेसिपी सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एक पैन ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने पानी ले लिया है। हमें उतना पानी लेना है जिससे हमारा जो नूडल्स है वो कम्प्लीटली इसमें डूब जाए। मैं गैस को ऑन कर दूंगी और इसे तब तक चलाऊंगी जब तक पानी बॉयल ना हो। देखिए पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं ये चाउमीन को गरम पानी के अंदर डाल दूंगी। हमें ये चाउमीन को बॉईल नहीं करना है, आंच को मैं बंद कर दूंगी और केवल ये जो उबलता हुआ पानी है उसके अंदर ये चाउमीन ऐड कर दूंगी। दो पैकेट चाउमीन ऐड करने के बाद मैं इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही सोक कर लूंगी। अगर आप बाज़ार से कोई और कंपनी के चाउमीन को यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वो चाउमीन बॉईल करके कुक करना पड़े, तो आप पैकेट पर इंस्ट्रक्शंस रीड करके चाउमीन कुक करिएगा। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो चाइनीज़ चाउमीन नूडल्स है ये इसी प्रकार से कुक होते हैं और ये एकदम अच्छी तरीके से रेडी है। अगर आपको लगे थोड़े से कच्चे हैं ये, तो आप इसे थोड़ी देर और ढककर भी कुक कर सकते हैं। अगर आपके इस तरीके के सोकिंग नूडल्स हैं और आपको लगता है ये अभी तक कुक नहीं हुए और पानी भी ठंडा हो गया है, तो आप वापस से पानी को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं ताकि नूडल्स प्रॉपरली कुक हो। अब क्योंकि मेरे नूडल्स कुक हो गए हैं मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ, जब भी आप नूडल्स को स्ट्रेन करें उसके ऊपर इमीडिएटली आइस कोल्ड ठंडा पानी आप डाल दीजिएगा, जिससे कि उसकी कुकिंग प्रोसेस कम्प्लीटली उधर ही बंद हो और आपके नूडल्स ओवर कुक ना लगे। तो मैंने जैसे ही नूडल्स को स्ट्रेन किया मैंने इसे ठंडे पानी से आइस बाथ दे दिया और देखिए फ्रेंड्स ये नूडल्स तैयार है। अब मैं इसे ऑयल के साथ कोट करूँगी। यहाँ पर मैं रेगुलर सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ और मैं हर एक नूडल को अच्छी तरीके से कोट कर लूँगी। आप चाहें तो आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्पाइस मिक्स। ये चाउमीन के पैकेट के अंदर 2 स्पाइस मिक्स के पैकेट्स आते हैं। आइडियली हमें एक चाउमीन के पैकेट के अंदर 2 स्पाइस मिक्स ऐड करना होता है, पर फ्रेंड्स मैं इसे अलग तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 पैकेट्स में खाली 2 पैकेट ऐड करूँगी। कुल मिलाकर मेरे पास 4 पैकेट है, पर बाकी के 2 पैकेट्स मैं ऐसे ही स्टोर करके रखूँगी किसी और रेसिपी के लिए। अगर आपके पास ये स्पाइस मिक्स अवेलेबल नहीं है तो बाज़ार में ये लूज में भी अवेलेबल रहता है, चाउमीन मसाला मिलता है बाज़ार में, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर वो नहीं मिलता तो हक्का नूडल्स मसाला भी मिलता है बाज़ार में, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैन हक्का नूडल्स मसाला भी बाज़ार में अवेलेबल है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए। मैंने ये नूडल्स के अंदर 2 पैकेट ऐड किए हैं। 1 पैकेट लगभग 1 टेबलस्पून जितना मसाला है, मैं ऐसे 2 पैकेट्स ऐड कर रही हूँ, मतलब 2 टेबलस्पून। तो आप अगर बाज़ार से लूज़ मसाला ला रहे हैं वो भी 2 टेबलस्पून तक आप ऐड कर सकते हैं।
अब अच्छे से ये मसाले को हम नूडल्स पर कोट कर लेंगे। मसाला नूडल्स पर कोट हो चुका है। अब मैं एक कढ़ाई ले लूंगी, उसके अंदर मैं 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड किया है और 3 टीस्पून सनफ्लावर ऑयल। इसमें हम ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हमेशा यूज़ करते हैं क्योंकि चाउमीन एक थोड़ी सी ऑयली डिश होती है। अगर आप ऑयल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे कम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप ये रेसिपी कम्प्लीटली सनफ्लावर ऑयल में या फिर कम्प्लीटली ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। जैसे ही तेल गरम हो जाता है मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज़ का लंबा स्लाइस किया हुआ कैप्सिकम और 2 मीडियम साइज़ के लंबे कटे हुए प्याज। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दूंगी और सारी सामग्री को मिला लूंगी। हम इसे तब तक सौते करेंगे जब तक ये सेमी कुक ना हो। जब भी हम चाइनीज़ डिश बनाते हैं हमें सब्जियों को कम्प्लीटली नहीं गल देना, हमें इसे कम्प्लीटली कुक नहीं कर देना है। थोड़ा सा क्रंच हमें इसमें बचा कर रखना होता है। जैसे ही सब्जियां 60% कुक हो हमें कुकिंग प्रोसेस उसकी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि चाइनीज़ डिशेस में हमेशा ऐसे क्रंची सब्जियां ही अच्छी लगती है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3.5 कप श्रेड किए हुए कैबेज, स्वाद अनुसार नमक और सारी सामग्री को मिक्स कर लूँगी। अब ये जो 20% जितना प्याज और कैप्सिकम कुक होना बाकी था वो इस कैबेज के साथ कुक हो जाएगा। अब जैसे ही कैबेज थोड़ा सा कुक हो गया मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का श्रेड किया हुआ कैरेट। सारी सामग्री को मिला लूँगी और जैसे ही सारी सब्जियाँ 60% कुक हो, थोड़ी सी क्रंची उसका टेक्सचर हो, तब तक इसे मैं कुक करते रहूँगी। हमारे क्रंची स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स तैयार है चाउमीन के लिए। अब मैं इसके अंदर हमारे बॉइल्ड किए हुए मसाला वाले नूडल्स ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर सारे सॉसेस ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी चिली सॉस। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये वाले चिली सॉस को यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करूंगी। अब मैं इसमें विनेगर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने ये चिली विनेगर का उपयोग किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास चिली विनेगर अवेलेबल नहीं है और रेगुलर विनेगर भी अवेलेबल है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, पर चिली विनेगर से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस डिश में। मैं इसमें 1 टेबलस्पून चिली विनेगर ऐड करूंगी और लास्ट में मैं ऐड करूंगी डार्क सोय सॉस। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये कंपनी का जो डार्क सोय सॉस है उसका उपयोग किया है। अगर आपके पास कोई और कंपनी का सोय सॉस अवेलेबल है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून डार्क सोय सॉस का उपयोग कर रही हूँ। नूडल्स की क्वांटिटी अगर कम हो तो आप इसकी मात्रा आधी भी कर सकते हैं। नूडल्स की क्वांटिटी के अनुसार हमें सॉसेस के नाप को एडजस्ट करना है। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लूँगी। फ्रेंड्स, मैं इस रेसिपी में कोई एडिशनल सॉल्ट को ऐड नहीं कर रही हूँ इस वक्त क्योंकि ऑलरेडी हमने जो चाउमीन मसाला डाला हुआ है वो भी सॉल्टी होता है। सॉसेस में भी नमक की मात्रा होती है, स्पेशली डार्क सोय सॉस जो होता है वो सॉल्टी ही होता है स्वाद में, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करेंगे। सब्जियों में भी हमने नमक डाला हुआ है इसलिए हम बिल्कुल इसी प्रकार से बैलेंस करते हुए इसमें अभी ऊपर से कोई और नमक ऐड नहीं करेंगे। देखिए हमारा चाउमीन अच्छे से मिक्स होकर रेडी है। अब मैं इसमें 1 मुट्ठी भरकर स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कर दूंगी।
ये ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर कोई भी चाइनीज़ डिश स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स के बिना अधूरी है। तो मैं स्प्रिंग अनियन के ये जो ग्रीन हिस्सा होता है उसे मैंने सीधा कट कर लिया और डायरेक्टली इसमें ऐड कर दिया, हमें इसे कुक नहीं करना होता। फ्रेंड्स, एक बार आपने ये तरीका अपनाते हुए ये नूडल्स घर पे बनाए तो आपके घर वाले एकदम दीवाने हो जाएंगे, आपसे कहेंगे बार बार ये नूडल्स बनाओ, क्योंकि ये एकदम स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन तैयार होता है। ये फ्लेवर क्योंकि इंडो चाइनीज है, बच्चे और बड़े सब इसे बहुत एंजॉय करते हैं। हमारी टेस्टी अम्मी एंड वेरी डिलिशियस स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन बनकर तैयार है। आप ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।